हेलो ऑल, शेफ दीपाली हियर। वेलकम टू वाओ कुक स्टूडियो चैनल। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है चॉकलेट रेनबो ट्रफल। यस, रेनबो ट्रफल आज हम करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है रेसिपी। ट्रफल आप सभी को पता है कैसे किया जाता है, बट रेनबो ट्रफल करना थोड़ा एक टास्क होता है, या फिर डिफ़िकल्ट आप बोल सकते हो। बट मैं आज उसी ट्रफल को कैसे इजीएस्ट वे से आप कर सकते हो वो आपके साथ दिखाने वाली हूँ। टू डिफरेंट टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो ये वीडियो पूरा देखो एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रेनबो ट्रफल के लिए लिया है वाइट चॉकलेट। उस वाइट चॉकलेट के अंदर हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। जो मैंने क्वांटिटी दी है इंग्रेडिएंट्स की, उसे एज इट इज़ आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्रीम चीज़। रेनबो ट्रफल है तो क्रीम चीज़ तो बनता है। क्रीम चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड इन सबको अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करके लेंगे। ट्रफल का जो बेस होता है वो बेसिकली होता है क्रीम एंड चॉकलेट, बट यहाँ पे हम क्रीम चीज़ भी डाल रहे हैं, तो बट ऑब्वियस हम यहाँ पे क्रीम का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा कम कर रहे हैं। एंड कट एंड फोल्ड मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम ओवर मिक्स करेंगे तो यहाँ पे फैट रिलीज होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली विथ वाइट चॉकलेट। और एक चीज़ का प्रिकॉशन हमें लेना है, जो चॉकलेट होगा वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फैट जो है वो सेपरेट होगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रफल का जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो गया एंड एक प्रॉपर डो बन गया है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे इन 7 पार्ट। सो हमें ट्रफल बनाना है, रेनबो ट्रफल बनाना है, तो 7 डिफरेंट कलर्स के साथ कॉम्बिनेशन करना है, तो इसे डिवाइड करके लेंगे। तो यहाँ पे ट्रफल का मिक्सचर हमने सेपरेट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें ऐड करने हैं कलर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी रेड कलर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड कलर। ऑरेंज कलर ऐड करेंगे, येलो, ग्रीन यहाँ पे हम ऐड करेंगे, या उसके बाद ऐड करेंगे ब्लू, नेक्स्ट इज इंडिगो, एंड नेक्स्ट इज पर्पल वॉयलेट। एंड इन सब कलर्स को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मिक्सिंग करते टाइम भी हमें कट एंड फोल्ड मेथड का ही यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे डो में कलर हमने ऐड किए हैं एंड ये डो रेडी है। नेक्स्ट स्टेप हम अभी करने वाले हैं, तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे लिया है एक रेक्टेंगुलर टिन एंड उसको क्लोज करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर से उसे कवर किया हुआ है लाइक दिस। और यहाँ पे हम इसको रखने के लिए एक ट्रे का भी सपोर्ट करने लेने वाले हैं एंड इस तरीके से हम इस टीन को इस ट्रे में रखेंगे। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस डो को हम लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम स्पैचुला का सपोर्ट लेके इसे अच्छे से स्प्रेड करके लेंगे। तो यहाँ पे हम इवन इस तरीके से सब पूरे डो को स्प्रेड करके लेंगे। एक थिन लेयर बना के लेना है एंड इस लेयर के ऊपर नेक्स्ट लेयर हम ऐड करेंगे इंडिगो कलर का। एंड इसे भी हम इवन स्प्रेड करके लेंगे। एक प्रॉपर लेयर बना के लेना है। नेक्स्ट कलर हम ऐड करेंगे ग्रीन। एंड इसी तरीके से हम सारे कलर स्टेप बाय स्टेप्स इवन लेयर करके लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे लेयर्स एक के ऊपर एक अप्लाई करके रेडी है एंड अब हम इसे रखेंगे एक 10 टू 15 मिनट्स के लिए फ्रीजर में। तो जैसे कि मैंने बताया था मैं 2 स्टेप्स दिखाने वाली हूँ, तो एक मैं राउंड में आपको ट्रफल कैसे करना है वो दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना के लिया है एक स्मॉल साइज बॉल पर्पल कलर का, जो कि सबसे अंदर रहेगा। उसको हम कवर करेंगे विद दिस इंडिगो कलर इस तरीके से। हम
उसे कवर अप करके लेंगे। थर्ड लेयर हम इसके ऊपर करेंगे ब्लू का। आप इस तरीके से राउंड बॉल्स भी बना सकते हो, बट हम शो ट्रे में सेट किए उसके स्क्वायर पीसेस हम करने वाले हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रीन। जहाँ पे ग्रीन का एप्लीकेशन नहीं हुआ है वहाँ पे हम अच्छे से ग्रीन से कवर करेंगे। ये साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए हम स्क्वायर वाली टेक्निक यूज करते हैं। हम कवर करेंगे विद येलो। येलो का थोड़ा सा कम हो गया है। नेक्स्ट विद ऑरेंज। एंड इसे भी हम एक 10 टू 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रफल जो है वो सेट हो गया है। अब हम इसे करेंगे डीमोल्ड। डीमोल्ड करने के लिए जस्ट साइड का पेपर रिलीज करेंगे एंड अभी ये ना स्टिक हो गया है तो इसके लिए मैं ब्लो टॉर्च लूँगी एंड साइड से उसे रिलीज करूँगी। The layers. And इसे अभी हम कट करेंगे बट उससे पहले हम इसका जो टॉप है वो थोड़ा स्मूथ करके लेंगे, इवन करके लेंगे। एंड इसके हम अभी पीसेस करेंगे। शार्प नाइफ लेके इसके पीसेस करने हमें। साइड्स में इसके कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो रेम्बो ट्रफल्स है वो रेडी हो चुके हैं। ये मैंने स्क्वायर में किए थे बट अगर आप चाहो तो मैंने जैसे टेक्निक बताया वैसे टेक्निक से आप राउंड शेप भी कर सकते हो। एंड अगर आपको इसे डिप करना है तो डिपिंग की टेक्निक मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखाई हुई है। आप इसे डिप भी कर सकते हो बट मैं इसे एज इट इज़ रख रही हूँ बिकॉज होल बाइट लेने में, कलरफुल बाइट खाने में बहुत मज़ा आएगा। सो अगर आपको चॉकलेट में डिप करना है डार्क मिल्क या वाइट तो वो भी आप कर सकते हो और इसे डेकोरेट कर सकते हो विथ स्प्रिंकलर्स। तो आई होप आपको हमारी आज की रेम्बो ट्रफल की रेसिपी अच्छी लगी रहेगी। प्लीज़ आप ये रेसिपी सबके साथ शेयर करो। ट्रफल सबको पता है बट इस तरीके का इनोवेशन अगर आप किसी को शेयर करोगे या फिर आपके क्लाइंट को सर्व करोगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि ये रेसिपी जितना हो सकता है उतना आप सबके साथ शेयर करो एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपने इसमें क्या वेरिएशन किए, कौन सा शेप किया। एंड ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।